दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। विज्ञान की दुनिया में रिसर्च से खास छाप छोड़ने वाले स्टीफन हॉकिंस का 14 मार्च 2018 को निधन हो गया है। वहीं स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों से रूबरू कराया, उन्होंने पूरी दुनिया को ब्रह्मांड के ब्लैक होल के बारे में बताया था। वे एक विश्व के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे, इतना ही नहीं है, वे कई लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकों के लेखक भी थे, जिनमें से अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द यूनिवर्स इन अ नटशेल और द ग्रैंड डिजाइन जैसी कई सारी किताबें शामिल है। तो चलिए शुरू से जानते हैं उनकी निजी जिंदगी की कहानी। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। जब महान वैज्ञानिक स्टीफन विलियम हॉकिंस का जन्म हुआ, तब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन हॉकिंस के माता पिता लंदन के हाईगेट सिटी में रहते थे, जहां पर अक्सर गोलाबारी होती ही रहती थी। इस कारण से वो अपने बेटे के जन्म के लिए ऑक्सफोर्ड सिटी चले गए, जहां पर सुरक्षित रूप से स्टीफन का जन्म हो सका। बचपन से ही हॉकिंस बहुत इंटेलिजेंट थे। स्टीफन हॉकिंस के पिता डॉक्टर थे और उनकी माता हाउसवाइफ थी। स्टीफन की बुद्धि का अनुमान तो इससे ही पता चलता है कि बचपन में लोग उन्हें आइंस्टाइन कहकर पुकारते थे। स्टीफन को गणित विषय में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी और 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया था। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान उन्हें अपने दैनिक कार्य में कुछ परेशानी होने लगी थी। एक बार जब स्टीफन छुट्टियां मनाने अपने घर आए हुए थे, तभी घर की सीढ़ियों से उतरते वक्त वो बेहोश हो गए और सीढ़ियों से गिर पड़े। शुरू में तो सभी ने इसे सिर्फ कमजोरी मानकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब ये परेशानी ज्यादा होने लगी, इसके बाद जब उनकी जांच कराई तो उससे पता चला कि उन्हें कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है। इस बीमारी का नाम न्यूरोनल मोटर डिसीज था। इस बीमारी में मांसपेशियों को नियंत्रण करने वाली सारी नसें धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है और व्यक्ति अपंग भी हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना था कि स्टीफन अब सिर्फ 2 ही साल जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मेरे जीवन में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। स्टीफन ने अपनी इस बीमारी को भुलाकर अपने वैज्ञानिक जीवन के सफर को शुरू कर दिया और अपने आप को पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित कर दिया। इनके इस जज्बे के कारण धीरे धीरे उनका नाम पूरी दुनिया में फैलने लगा था, लेकिन दूसरी तरफ धीरे धीरे उनका शरीर उनका साथ छोड़ता जा रहा था। बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ गया था। उनकी चेयर कंप्यूटर से जुड़ी हुई थी, जो उनके सर, हाथों और आंखों के कंपन से ये बता देती थी कि वो क्या बोलना चाहते हैं। कुछ सालों में धीरे धीरे स्टीफन के पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन इस बीमारी ने उन्हें सिर्फ शारीरिक तौर पर ही अपंग बनाया था, ना कि मानसिक तौर से। इनके बाद लोग यूं ही देखते चले गए और स्टीफन आविष्कार पर आविष्कार करते चले गए। स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट और हॉकिंस रेडियंस का महान विचार दुनिया को दिया। उन्होंने अपने विचारों को सरल भाषा में समझाने के लिए एक किताब भी लिखी, जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस किताब ने दुनिया भर के विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया था। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस एक ऐसा नाम है जिसने शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद भी एक अनूठा वैज्ञानिक बनकर दिखाया। स्टीफन हॉकिंस दुनिया के महान और अद्भुत लोगों में से एक है। दोस्तों, इंसान इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। किसी महान पुरुष ने कहा है कि अगर आप अपनी जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं, बस इंतजार है आपकी कोशिश का। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे मनोबल को और बढ़ा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।